ऑल पार्टी मीटिंग के बाद निर्णय लिया जाएगा। सभी दलों से लगातार बातचीत हो रही है, एक समय निकालकर बैठक होगी और फिर निर्णय करेंगे। 27 मई को सर्वदलीय बैठक को लेकर बड़ी बात चल रही है और बैठक के बाद कैबिनेट में प्रस्ताव भेजा जाएगा। मांझी पर पूछे गए सवाल को लेकर सीएम ने किनारा कर लिया है। आपको बता दें, जातीय जनगणना का जो मुद्दा है लगातार राजनीति में चल रहा है और अब कुल मिलाकर इस पर सीएम ने कहा है समय निकालकर बैठक की जाएगी। आप सब जानते हैं कि कास्ट सेंसस के लिए, जाति जनगणना के लिए तो हम लोगों ने पूर्व से ही कहा है और आप सबको मालूम है कि बिहार विधानसभा ने दो बार इसको पारित किया है और इस बार सभी पार्टियों की बैठक करके और तब इसका निर्णय लेकर के कैबिनेट के माध्यम से इसको स्वीकृत करके इस पर काम शुरू किया जाएगा। यही उसका तरीका है। सरकार में भी हम लोगों ने इसके लिए पूरी तैयारी की है, लेकिन सबकी राय हो जाएगी और मिल करके तब कैबिनेट में प्रस्ताव जाएगा। यही है। और जब एक बार हो जाने के बाद फिर इस पर काम शुरू किया जाएगा। 27 की तिथि जो 27 के लिए अभी अनेक दलों से बातचीत हुई है तो लोगों की एक सहमति है। अभी सब लोगों की सहमति नहीं आई है, पूरी सहमति आ जाने पर होगा। तो जातीय जनगणना को लेकर 27 मई को सर्वदलीय बैठक बुलाए जाने पर नितिन नवीन ने कहा कि अगर बैठक होगी तो हमारे वरिष्ठ नेता फैसला लेंगे कि पार्टी का स्टैंड क्या हो और क्या पार्टी इस बैठक में शामिल होगी कि नहीं। नितिन नवीन ने यह बड़ा बयान दिया है, कहा कि अगर बैठक होगी तो हमारे वरिष्ठ नेता फैसला लेंगे पार्टी का स्टैंड क्या है, इस पर हम निर्णय करेंगे। हमारे वरिष्ठ नेताओं को गया होगा और जो भी सर्वदलीय बैठक होगी तो पार्टी का जो अपना स्टैंड होगा विषय होगा रखा जाएगा। बीजेपी का क्या स्टैंड है? अब वो समय आने पर निश्चित रूप से जब बैठक होगी तो उस बैठक के दरमियान सारे विषय रखे जाएंगे पार्टी की तरफ से। इधर जातीय जनगणना पर मंत्री विजय चौधरी ने बड़ा बयान दिया, कहा कि जातीय जनगणना की तारीख अभी तय नहीं है, तारीख तय करने को लेकर लगातार बातचीत हो रही है, जैसे ही तारीख तय होगी घोषणा कर दी जाएगी, ऐलान कर दिया जाएगा। तो शिक्षा मंत्री विजय चौधरी ने बड़ा बयान दिया, जातीय जनगणना की तारीख का अभी तय नहीं है लेकिन जैसे ही तारीख तय होगी ऐलान कर दिया जाएगा। अभी स्थिति यही है कि मुख्यमंत्री की घोषणा के मुताबिक सर्वदलीय बैठक की तिथि के निर्धारित होने की प्रक्रिया चल रही है। सभी दलों के नेताओं से परामर्श किया जा रहा है और जैसे ही तिथि को अंतिम रूप दे दिया जाएगा आपको भी बता दिया। तो जातीय जनगणना का मुद्दा लगातार सुर्खियों में बना हुआ है और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता रुपेंद्र जुड़ रहे हैं पटना से। रुपेंद्र, क्या माना जाए कि अब जो सस्पेंस था वो कहीं ना कहीं खत्म होता हुआ दिख रहा है, 27 मई को एक बड़ी बैठक की बात भी सामने आ रही है? देखिए, 27 मई को जो एक बड़ी बैठक होगी और इसकी आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है, लेकिन अंदर अंदर में 27 मई को जो है तय कर लिया गया है कि एक बैठक होगी और यही कारण था कि मुख्यमंत्री कृषि विभाग के द्वारा कार्यक्रम था और कृषि विभाग के जब कार्यक्रम था तो उस दौरान हम लोग मुख्यमंत्री जब आए थे तो पत्रकारों ने पूछा था, उस समय ही मंच पे ही आपस में वो विजय जो शिक्षा मंत्री जो विजय चौधरी थे वो और तारकिशोर प्रसाद उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री तीनों ने आपस में बात किया। जब मुख्यमंत्री नीचे उतरे तो फिर हम लोगों ने उनसे सवाल किया तो मुख्यमंत्री ने साफ कर दिया कि सर्वदलीय बैठक होगी और सर्वदलीय बैठक जो होगी उसके लिए प्रक्रिया शुरू हो गई है, सभी दलों से जो है बातें चल रही है, बैठक के बाद एक निर्णय लिया जाएगा और निर्णय लिए जाने के बाद जो है इसे कैबिनेट में भेजा जाएगा। रुपेंद्र, बड़ा सवाल ये भी है कि आरजेडी इसको लेकर लगातार मुखर रही है, बड़ा सवाल ये है कि जातीय जनगणना से किसे ज्यादा फायदा होगा और किसे नुकसान होगा? देखिए, आरजेडी जातीय जनगणना को लेकर सपोर्ट में है, बीजेपी कहीं ना कहीं जो है वो मुखर रही है। फिर वही मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद जी से सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि देखिए, जातीय मुख्यमंत्री ने जो कहा है सभी ने सुना है
लेकिन हम लोग आपस में बात कर रहे हैं, निर्णय जब होगा मीडिया में पता चल जाएगा। जब उनसे सवाल किया जाएगा कि आप बीजेपी इसमें जातीयगणना में शामिल होगी, तो उन्होंने कहा कि जो निर्णय होगा मीडिया को बता दिया जाएगा। तो कहीं ना कहीं बीजेपी का जो स्टैंड है वो कहीं ना कहीं जो है जिस तरह से पहले था और वो कि जातीय जनगणना के वो पक्षधर नहीं है, तो उसी तरह अभी भी दिख रही है कि वो जातीय जनगणना के पक्षधर नहीं है। तो रुपेंद्र, क्या बिना बीजेपी के सपोर्ट के इस दिशा में आगे बढ़ा जा सकता है? आरजेडी ने अभी अभी तुरंत बोला है कि बिना बीजेपी के सपोर्ट के बिना जो आरजेडी है वो कह रही है कि अगर बीजेपी साथ नहीं आती है उसके बाद भी जो है हम जातीय जनगणना जो है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ मिलकर जो है बिहार में करा। यानी कुल मिलाकर सर्वदलीय बैठक की जरूरत है और उस दिशा में भी प्रयास किया जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद रुपेंद्र आपका।